पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल करेंगे शादी, चंडीगढ़ में होगा कार्यक्रम। टीएमसी सांसद महुआ के खिलाफ एमपी में एफआईआर, सीएम शिवराज बोले देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी, बकरी ईद और कावड़ यात्रा से पहले बुलाई बड़ी बैठक। रसोई गैस में फिर लगी आग, कंपनियों ने 50 रुपए बढ़ाए दाम। वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान, शिखर धवन को सौंपी चौहान की टीम की कमान। शिखा मेहरोत्रा, शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देवरिया टाउन हॉल के ऑडिटोरियम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वीं जयंती पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश की आजादी उसके पहले तक बहुत आक्रमण, देश का बहुत नुकसान हुआ है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर राणा प्रताप के खानदान, मतलब बहुत लोगों ने, महापुरुषों ने, हमारे भगवान संस्कृत को बचाने के लिए, देश की सभ्यता को बचाने के लिए, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए संघर्ष समय पर चला और दो विचारधारा हमेशा रही। आज भी आप देखेंगे जिस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक अपमान हुआ और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग टीका लगाना भूल गए थे। आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां ताजनगरी के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 में ही एक ही परिवार के तीन लोग फांसी के फंदे से लटके मिले। पुलिस सामूहिक हत्या, आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन रिश्तेदारों को आत्महत्या के कारण पर विश्वास नहीं हो रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट रही है। कुछ नहीं मालूम मुझे तो सुबह मालूम पड़ी भैया। कैसे पता लगी? लाला ने बताई थी। उसके बाद क्या करा आपने? एकदम चिल्ला भरी बात होते लाला से गई थी मैं, लाला देखो ऊपर का है वो जल्दी से। अरे राम कौन सी बिजली टूट के गिर पड़ी, वो बच गएगा वो तो वो बेहोश है। कैसे तुम्हें मालूम पड़ा है यहाँ पर ऊपर कमरे में जब तुम सो के उठे थे तब मालूम पड़ा? नहीं। कैसे घटना हुई पूरी बताओ जरा। मुझे नहीं पता। हाँ, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये हादसा हुआ? मैं कचू निकाल रहा था, मैं तो नीचे आता। खेल रहे थे तुम? अच्छा। इसने कहा था कि तीन जने ऊपर लटके हुए हैं, मैंने नीचे खबर दी तो फिर पूरे में हल्ला मच गया। अच्छा, कौन कौन थे उसमें? दिमाग इतना काम नहीं करा उस वक्त, क्या हुआ कुछ पता नहीं। किन किन लोगों ने ऐसा कदम उठाया परिवार के? मेरा भाई था छोटा, उनकी वाइफ थी और छोटी लड़की थी। अच्छा, तो कोई आपस में कुछ कलेश चल रहा था पति पत्नी के बीच? नहीं, कोई बात थी पता नहीं। मेरे तो मैं अपने तो अपने घर में रहती हूँ, कम आती हूँ। हाँ, बहुत दुखद घटना है और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ, मुझे सूचना दी भी मैं इस पर आया हूँ। वास्तव में एक बहुत हृदय विदारक घटना है। सारे तथ्यों की जानकारी करके फिर जो भी इसमें सहयोग बन सकेगा वो सहयोग परिवारी जनों को करवाने का प्रयास होगा। सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, तीन लोगों ने फांसी लगा ली। मौके पर जब पुलिस पहुंची सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहां से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकंड फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम।
शाजापुर के अकबरपुर ब्लॉक सभागार कक्ष में पूर्व सफाई कर्मचारी गणेश चंद्र चौहान घंटाघर विधायक का जिले में प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा भव्य स्वागत एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया और विधायक गणेश चंद्र चौहान के नेतृत्व में विकास खंड भावलखेड़ा में पीपल के वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत नारायण सिंह द्वारा पूरा सहयोग किया गया। जिस प्रकार से कर्मचारी साथियों का अभिनंदन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग माला पहनाकर और हर्षोल्लास का एक वातावरण बन रहा है, निश्चित है पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी एक सफाई कर्मचारी पर दाव खेलना, भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास के साथ योगी जी और मोदी जी ने जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों का सम्मान बढ़ाया, निश्चित है सफाई कर्मचारी पूरे मनोयोग से आज हर्षोल्लास का वातावरण पूरे प्रदेश में है। श्रावस्ती में बिजली विभाग के जय के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा और सैकड़ों नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र भेनगा में प्रदर्शन किया। साथ ही जय जिया लाल पर पैसा लेकर काम न करने का आरोप भी लगाया है। स्थानीय लोगों ने अधिशासी अभियंता को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। 17,000 रुपया 8,000 किसने लिया है? जय सर। किस मामले को लेकर के लिया है? भर्ती का सही कराने के लिए। 1.5 करोड़ का यहाँ से पता लग रहा है या फायदा भी हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग एक्सचेंज महोदय के पास गए थे, उन्होंने यह आश्वासन फिलहाल भी दिया है कि हम उसको फिलहाल रिलीफ नहीं करेंगे जब तक पैसा अदा नहीं कर देता है। लेकिन हमने ये भी कहा है एक्सचेंज महोदय से कि उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये हमारी नॉलेज नहीं है, हमारी नॉलेज कब आया? जब इनका ट्रांसफर हुआ, इनको पता चला कि जे का ट्रांसफर हो गया है, तब ये सब लोग इकट्ठे हो गया है। इससे पहले एक साल से कोई भी हमसे मिलने नहीं। लगभग कितने उपभोक्ताओं का रुपया जे ने लिया है? लगभग जो अनुमान मेरे ख्याल से 70-80 आदमी। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं इस खबर पर श्रावस्ती से। प्रदीप, पैसे लेकर काम न करने का आरोप लगाया, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिंडगा पावर हाउस का मामला है, जहां जय जियालाल नाम से एक लोग हैं, बिजली उपभोक्ताओं से जो है पैसे ले लिया गया। एक दो साल पहले का पूरा मामला है, लेकिन आज तक भी उनका काम नहीं किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है साफ तौर से कि हमने बिजली का बिल सही कराने के लिए रुपया दिया था, लेकिन आज तक ना तो जय ने हमें रुपया वापस किया, ना ही बिजली बिल सही करा के दिया। जब इसकी जानकारी बिजली उपभोक्ताओं की हुई कि जय चाय का ट्रांसफर हो गया, तो बिजली उपभोक्ता जो है पावर हाउस से पहुंचे और जय जियालाल से अपने पैसे की मांग की, लेकिन जय के द्वारा ना तो उनको कोई जवाब दिया गया, ना ही उनका रुपया वापस दिया गया, जिसको लेकर उपभोक्ता भिंडगा बहराइच मार्ग पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले पर कोतवाली भिंडगा की पुलिस ने पहुंचकर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं एक्शन विद्युत ने जो है उनको कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि जब तक जय को यहां से हम रिलीफ नहीं करेंगे, जब तक सभी उपभोक्ताओं का रुपया नहीं देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। श्रावस्ती से इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़े थे। श्रावस्ती में संयुक्त जिला चिकित्सालय के नाम से जारी हो रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दरअसल हैरान कर रहे हैं। सीएमएस की आईडी और डिजिटल साइट को हैक कर लिया गया है और हैकर का पता लगाने के लिए अस्पताल के ऑपरेटर ने क्लाइंट बनकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। वहीं हैकर ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 150 रुपए मांगे और पैसों की मांग गूगल पे क्यूआर कोड भेजकर की। आपको बता दें कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोहम्मद रियाज का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, उन्होंने हमको कल सूचना दी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भी लोगों से 150 रुपये ले करके वो आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको वो हैक करके अपने असर से जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे रहा है। जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने एसपी साहब को एक पत्र लिख करके संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिख दिया। सूचना मैंने CMS साहब को उसके दूसरे दिन लिखित रूप से दिया है अपने प्रार्थना पत्र में,
कि ये आपके फर्जी हस्ताक्षर आपके हस्ताक्षर से जो है फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दूसरी आईडी से जनरेट किया जा रहा है, कृपया संज्ञान में लें। और प्रतिलिपि में मैंने डीएम महोदया को और सीएमओ महोदय को भी कर दिया है, इसके लिए अब अग्रिम कार्रवाई के लिए सीएमओ साहब अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह इस हैक होने की जानकारी मिली है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले में संयुक्त जिला चिकित्सालय के नाम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हो रहा था। एक हैकर ने सीएमएस की जो है डिजिटल सिग्नेचर हैक कर लिया है। इस मामले की जानकारी जब हुई, जब जिला अस्पताल में ऑपरेटर से एक महिला आधार कार्ड बनवाने बच्चे की आई, तो उस ऑपरेटर द्वारा महिला से ये कहा गया कि आप जब जन्म प्रमाण पत्र देंगी तभी आधार कार्ड जारी हो पाएगा, जिस पर महिला ने आधार कार्ड नहीं बनवाया। दूसरे दिन महिला ने ऑपरेटर को आकर के दिखाया कि ये हमारा आधार कार्ड बन गया, तो ऑपरेटर द्वारा उससे पूछताछ किया गया कि कहाँ से आपने बनवाया है, कैसे बनवाया है। तो महिला ने जिस हैकर से बनवाया था उसका कांटेक्ट नंबर दे दिया। जब दूरभाष पर ऑपरेटर से बात की गई तो उसका साफ तौर से कहना था कि 200 रुपए आप दीजिए और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसने QR कोड उनके ऑपरेटर के व्हाट्सएप पर भेजा, जिस पर 150 रुपए उसने सेट कर दिया और फर्जी तरीके से हैकर ने जो है बना करके जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, जिसपे CMS का डिजिटल सिग्नेचर था। CMS से ऑपरेटर द्वारा शिकायत की गई, जहाँ CMS ने SP को लिखित तौर में एप्लीकेशन दे दिया गया है कार्रवाई करने के लिए और SP द्वारा टीम लगाकर हैकर की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए श्रावस्ती समाज से संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़े थे इस खबर पे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस चालकों और निजी अस्पताल चालकों की मिली भगत का मामला सामने आया है। बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस चालक निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ मिलकर सरकारी अस्पताल से दिल्ली रेफर होने वाले मरीजों को कमीशन के लालच में आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराकर मोटा कमीशन वसूल रहे हैं। इस मामले में जब सिविल सर्जन फरीदाबाद डॉक्टर विनय गुप्ता से बात करने की प्रयास की गई तो उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इसको अभी पता नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रोया नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे इसको लेकर? तो ये ऐसे बच्चे गोद में क्यों लेके जा रहे हो? उन्होंने वहाँ से बोला कि एम्बुलेंस में ले जाओ और एम्बुलेंस वाले कह रहे वहीं पर आ जाओ। हैं? एम्बुलेंस वाले ये कह रहे हैं कि यहीं आ जाओ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। बच्चे को लेकर के? हाँ। इस मासूम बच्चे को लेकर आप वहाँ जा रहे हो? वहीं बुलाया है। एम्बुलेंस वालों ने भेजा था। हाँ जी, ये बेटे की ज्यादा सीरियस है तो दिखाओ। जबकि उन्होंने तो आपको, हम भी वहीं पर मौके पे थे, उन्होंने इंजेक्शन भी दिए, दिल्ली तक आप जा सकते थे, फिर भी आपको प्राइवेट में क्यों लेके आई? ये बस एम्बुलेंस वाले ने बोला यहाँ दिखा दो, मैंने दिखा दिया क्योंकि बेटा सीरियस है तो मेरे को जहाँ पास पड़ेगा वहाँ। जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने आपसे बोला है? हाँ जी। जबकि आपके कार्ड पे दिल्ली रेफर सफदरजंग लिखा हुआ है। हाँ, इस खबर पे हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से एम्बुलेंस चालकों द्वारा लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर सिविल अस्पताल वस्ताखान में सरकारी एम्बुलेंस चालक बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों से मिलकर यहाँ पर जो है मोटे कमीशन सेल खेल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर जो भी मरीज अस्पताल में आता है और इलाज के अभाव में उसे दिल्ली रेफर किया जाता है, डॉक्टर उसे दिल्ली रेफर करते हैं, लेकिन अस्पताल के जो एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के जो चालक है उनके साथ EMT है और जो वहाँ के ऑपरेटर है वो उसको इतना बरगला देते हैं, इतना डरा देते हैं कि उन्हें वो आसपास के अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इनकी जहाँ ये अस्पताल के आसपास जितने भी निजी अस्पताल हैं सबसे इनका कमीशन का सेल चल रहा है। एक मरीज पे इनके 20-25% सेल चलता है। जानकारी बताया, जो सूत्र जानकारी मिली थी कि अभी कुछ दिन पहले ही एक निजी अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराया गया था जिससे एम्बुलेंस चालकों को 57,000 रुपए की जानकारी 57,000 रुपए कमीशन देने कराया था। इसी प्रकार से पूरा खेल खेला जा रहा है। अभी जो तस्वीर दिखाई आपने, ड्यूटी ने बताया, महिला ने बताया कि बेटे को कल भर्ती कराया गया निजी अस्पताल था। यहाँ से जब डॉक्टर एक एम्बुलेंस डॉक्टर मरीज को इलाज के अभाव दिल्ली भेजता है तो उसी मुझसे 500 मीटर दूर जाकर के ये ड्राइवर EMT से इतना माइंड वॉश कर देते हैं कि उसको निजी अस्पताल भर्ती करना पड़ता है। इस महिला ने बताया कि मुझे एम्बुलेंस चालक और लेकर आया जबकि महिला को दिल्ली रेफर किया जाता है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ये डॉक्टरों
एम्बुलेंस चालक हमसे इतना माइंड वॉश कर देते हैं कि और मरीज को बताने का चक्कर में मरीज के अजारा जो है आस पास के रहते हैं, बाद में जब उनका मोटा बिल बैठता है तब वो अधिकारी से बात लगा अधिकारी से शिकायत करते हैं। इस मामले में हमने पीएमओ जो है डॉक्टर विनय गुप्ता उनसे ही बात करने का प्रयास किया, उनसे संज्ञान में मामले को लेकर आए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ ही रोने कर दिया। दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि बच्ची को एक पिता गोद में लेके जा रहा है, वो बच्ची अस्पताल में ही पैदा होती है, उस बच्ची को जब बच्ची रोई नहीं थी पिता के मुताबिक बच्ची को दिल्ली रेफर किया गया था 17 साल के लिए, लेकिन वो बच्ची का पिता जब एम्बुलेंस कंट्रोल रूम तक पहुंचा बच्ची की तबीयत के बारे में बताया तो एम्बुलेंस चालक और कंट्रोल रूम ऑपरेटर ने उसे बच्ची को जो दूधी बच्ची जो पैदा हुई थी नगर बच्ची और जो रोई नहीं थी उसको बोला कि वो कंट्रोल रूम तक बच्ची को ले जाए, जबकि एम्बुलेंस चालक और ईएमसी को बकायदा ऑक्सीजन से एम्बुलेंस लेकर के बकायदा बच्ची को लेने जाना चाहिए था और ऊपर से स्टाफ नर्स डॉक्टर बच्ची को छोड़ने आने की थी। ये बड़ी लापरवाही फरीदाबाद में देखी जा रही है, ये कोई पहला मामला नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार का ये खेल खेला जा रहा है कई वर्षों से खेला जा रहा है। इस मामले में यहाँ के बड़े अधिकारी सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता को भी जानकारी है, इससे पहले जो सीएमओ ने सबको जानकारी दी थी इनके ऊपर आज तक कोई लगाम नहीं लगाई गई है। जी मनोज, कितने ड्राइवर इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं? मैं बता दूं कि जितने भी 102 कंट्रोल रूम, अब 112 हो गया है कंट्रोल रूम बीके में, जितने भी कंट्रोल रूम में अपने क्या नाम है ड्राइवर और एएमटी है सभी की मिली भगत है, सभी एक भी इससे छूटा नहीं है, सभी की निजी अस्पतालों से मिली भगत है, इनको मोटा कमीशन आता है, ये मोटे कमीशन का तेल चल रहे हैं, मरीजों की गरीब मरीजों की जेब को इस पर डाका डालने काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए फरीदाबाद से इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े थे। अलीगढ़ की ईदगाह में गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और स्वास्थ्य मंत्री और नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी लेकिन नगर निगम के द्वारा सफाई नहीं की गई है। ईद से 10 दिन पहले यहां की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, कोई लगाई ना, लेकिन इस बार मात्र 3 दिन ईद के बचे हैं और अभी तक कोई सफाई यहाँ नहीं हुई, न मेयर साहब कोई सुध ले रहे, नगर निगम की कोई टीम सुध ले रही। ईद के हर मौके पर यहाँ 15 दिन पहले सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाती थी और नाला गैंग भी लगती थी, नाला गैंग 4-5 दिन लगी है, पूरे बाढ़ की स्थिति खराब है, 4 दिन नाला गैंग लगने के बाद हट जाती है, यहाँ के कर्मचारी वहाँ चले जाते हैं क्वारची पे, कोई हीरा नगर चौराहे पे, कोई नादे पुल के चौराहे पे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी चले जाते हैं, यहाँ पे कभी कोई कर्मचारी ना आया। क्या 1 महीने पहले यहाँ के इंस्पेक्टर जो हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, इस बार हमें ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य इंस्पेक्टर कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या ईद की नमाज हम ईदगाह के अंदर पढ़ें, बाहर पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कोई जगह नहीं है हमारी। खबर आई बरेली से है जहां पर प्यार में धोखा खाई एक युवती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। खून से लिखे गए पत्र में युवती ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सेना के एक जवान ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, शादी के लिए युवती से 4 लाख रुपए भी लिए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्यवाही न होने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने श्रीनगर के लिए टीम रवाना कर दी है। सर, हमारी बहन के ससुराल के पास के गांव के रहने वाले शेरगंज के रहने वाले सुरेंद्र कुमार यादव ने मेरा बलात्कार किया, शादी का झांसा दिया, ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर सर उसके बाद अब मार्च में शादी करने से मना कर दिया, मोबाइल ऑफ कर दिया, इसके लिए हमने कोतवाली में अपनी FIR कराई, सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, SP साहब से भी हमने इस घटना के बारे में बताया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सर अब मुख्यमंत्री द्वारा ही केवल हमको एक आसरा है जिससे हमको न्याय मिल सके। सर, महिला से मकान बनवाने के नाम पे एक बार 4 लाख रुपए लिए, शादी का भी प्रॉमिस किया और इनका आरोप यह है कि शादी का प्रॉमिस करके उसने इनका शारीरिक शोषण किया, फिर बाद में उसने 50,000 रुपये उनसे और लिए और वो पैसे भी वापस नहीं किए, और जब छुट्टी उसकी ख़त्म हो गई इन द मंथ ऑफ मार्च तो फिर यहाँ से चला गया और इसने इस पीड़िता का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। जब पीड़िता इस बारे में चिंतित हुई तो उसने 1 अप्रैल को थाने पर मुकदमा लिखाया, जिसकी विवेचना प्रारंभ करके उसी दिन उनका 161 का बयान कराया गया।
प्रयागराज के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मंडलायुक्त संजय गोयल ने वृक्षारोपण करने के बाद लोगों से पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पुरातन छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे ही स्कूल अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि किसी स्कूल से निकलकर सम्मानित किए गए पूर्व छात्र कई जगह पर सरकारी कार्यों में सेवा दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि विद्यालय के बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं। आज यहाँ हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री संजय गोयल जी थे और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने हमारे विद्यालय पूर्व माध्यमिक बगबना को गोद लिया है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुरातन छात्रों का सम्मान समारोह हुआ था, बच्चों द्वारा नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे और बच्चों ने साइंस के जो मॉडल बनाए थे उसका भी अच्छे से प्रस्तुतिकरण हुआ है और सर ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी के क्रम में मैंने जो ये विद्यालय गोद लिया है उसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ साथ मैं जानने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या सुविधाएँ हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी सब देखा होगा अभी, ये इसमें जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मायने में किसी भी रूप में किसी भी अच्छे जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उससे कम है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में रोडवेज की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ऑटो और कार में मामूली टक्कर के बाद कार सवार दबंग युवकों ने ऑटो में बैठे दो युवकों के साथ मारपीट की और उनका अपहरण कर लिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने दबंगों की कार को बरामद कर लिया है और एक युवक को हिरासत में लिया। भाई ऐसा हुआ है, कोई गाड़ी वाले अनुज को और उसके एक साथी को गाड़ी में डाल करके ले गए, मारपीट हुई है और मुझे ऐसा ऐसा बताया गाड़ी नंबर है। तो मैं ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, तो जल निगम चौकी पे मैं सोच रहा वहीं का मामला है, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने देखा गाड़ी बात करी जो भी है वो गाड़ी छोड़ दी। वो लड़के उनको बोला गया कि वो छोड़ दिए लड़के, लेकिन रात से अभी तक वो लड़के आए नहीं। रात मेरा भतीजा है, रात गाँव के लिए निकला था, गाँव के लिए निकला था, यहाँ से मेरे से पैसा लेके निकला है। निकलने के बाद करीबन 12:30-1 बजे ऑटो ड्राइवर मेरे पास वापस आया, बोला कि कुछ लोग आए हैं और आने के बाद उसको गाड़ी में डाल करके दो बंदे हैं, दोनों बंदों को गाड़ी में डाल के वो लोग ले गए। रामपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह पहुंची और महिला की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान रामपुर महिला थाने की इंचार्ज कंचन टोलिया, DPO राजेश कुमार सहित महिला आयोग विभाग के अधिकारी गण मौजूद रहे। आज हम यहाँ पे सारे अधिकारियों के साथ हैं, बैठे हैं और इसमें क्या है, अधिकतर घरेलू हिंसा के केस ही आते हैं, जो महिलाएं बच्चियाँ पीड़ित हैं हम लोगों के पास आती हैं, हम संबंधित थानों के लिए या फिर संबंधित अधिकारी के पास केस फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे हाथ के हाथ हम बात भी करते हैं फ़ोन पे। खबर अयोध्या से है, जहां पर पीड़ित जलज कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वृक्षारोपण सुरेंद्र कुमार वर्मा ने दबंगई दिखाई और गुंडों के बलबूते पर पीड़ित ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। विपक्षी गण सुरेंद्र वर्मा पर आरोप लगाते हुए बताते हैं कि वो RTO विभाग में कार्यरत पदाधिकारी हैं, जिसके चलते इसके पास पैसा रुतबा सब कुछ है और इसी की वजह से विपक्षी गण सुरेंद्र वर्मा ने पैसे के बलबूते पर थाना अध्यक्ष उपजिलाधिकारी सभी को मैनेज कर रखा है। जमीन एक सुरेंद्र वर्मा है वो अवैध कब्जा कर ले रहे हैं, उन्होंने बहनावा पीछे की तरफ लिखवाया था, कर रहे हैं आगे कब्जा। उन्होंने वहाँ पे 94 एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने लिखवा लिया 101 एकड़ ज़मीन, स्टाम्प में भी घपला किया है। उसके बाद हमने इसकी शिकायत आला अधिकारी हृदय यस्तो साहब को, यहाँ पे तहसील प्रशासन SDM साहब को, तहसीलदार साहब को और लेखपाल कानून को सभी को किया, लेकिन यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम मुख्यमंत्री दरबार में गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, DM साहब को कॉल किया, फैक्ट भी किया और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मैनहोल खुले होने से आए दिन कोई ना कोई मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही मामला सेक्टर 36 से सामने आया है, जहां सीवर के मेन होल में एक गौवंश गिर गया और कई दिन तक उसमें पड़ा रहा और जब इसकी जानकारी सेवाधाम की टीम को मिली तो उन्होंने 2.5 घंटे रेस्क्यू कर गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला।
जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं गौ सेवक सेवादैया बल्लभगढ़, टीम गोवन सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ से। ये जो हमने रेस्क्यू किया है, ये गौ माता पता नहीं 2 या 3 दिन से कम रिसीवर में पड़ी हुई थी, और ये मेन होल खुला हुआ है। यहाँ पर ऐसे और भी 2 मेन होल हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं। पार्क के बिल्कुल साइड की जगह है ये, तो हो सकता है यहाँ कोई बच्चा भी रिसीवर में गिर जाता। और करीब 2 से 2.5 घंटे हमें लगे रेस्क्यू करने में। जब गाय नहीं निकल पाई हमसे, तो फिर JCB की मदद से हमने पूरे गड्ढे को खुदवाया और तब गोवंश को बाहर निकलवाया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।